रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल मुताल्स क्यूसीन। आज हम आपको बनाना बताएंगे यखनी पुलाव। ये हमारे पास मटन है, 1.5 किलो है ये। एक इसके अंदर ये प्याज जाएगी, एक लहसुन का ये पूरा जाएगा साबुत लहसुन, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून ये ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून सौंफ जाएगी, 3 सब्ज़ इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 चाय का चम्मच ये धनिया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च हैं, 1 ये दालचीनी स्टिक है और 2 बादियान के फूल हैं। इसको हम लोग प्रेशर में डाल के 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, गोश्त गल जाए और फिर हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। और हम लोग इसके अंदर 4 ग्लास पानी डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम लोग डालेंगे ये मटन है और ये मसाले जो हम लोगों ने आपको बताए हैं, और साथ में पानी ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया इसमें और इसकी हम लोग यखनी तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यखनी पुलाव बना रहे हैं। यखनी हम लोगों ने तैयार करने के लिए रख दिया। अब हम लोग चावलों के लिए, मसाले के लिए, ये हमारे पास 2 मीडियम प्याज है, 2 ये टमाटर हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून नमक है, जायफल जावित्री है 1 टीस्पून, और ये बिरयानी मसाला है 1 टेबलस्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून और रेड चिल्ली पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसको हम लोग सबसे पहले ऑयल है 1 कप और उसको ऑयल में डाल के हम लोग प्याज ब्राउन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चिल्ली में हमने ऑयल डाल दिया है, 1/2 कप हमारे पास ऑयल है, उसके अंदर हम लोग ये डालेंगे प्याज। इसको हम लोग थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी यखनी तैयार हो गई है और मटन गल गया है। अब हम इसको नितार लेंगे और मटन को उधर डाल के भून देंगे। मटन को हम इसमें डालते हैं। मटन हमारा गल चुका है और इसको हम लोग भून लेंगे। अब मटन हमने इसमें प्याज में जो हम लोगों ने ब्राउन किया था उसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। साथ में हम लोग ये मसाले ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, बिरयानी मसाला, चाट मसाला और नमक। इसको हम लोग भून लेंगे। गोश्त हमारा थोड़ा भून चुका है, इसके अंदर हम लोग अब टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक नमाई में कटा हुआ डाल रहे हैं। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। साथ में हम लोग थोड़ा सा दही ऐड कर रहे हैं कि इसकी मटन की स्मेल वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाए, और इसको भून लेंगे जब तक हमारा दही का पानी ड्राई होएगा, तो फिर इसमें हम लोग यखनी डाल देंगे। यखनी हमारी तैयार है। ये बड़े मज़े के चावल बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से हमारे लिए यही प्यार होता है और फिर हम लोग आप लोगों के लिए नई नई डिशेज लेके आते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है गोश्त का, और अब हम इसके अंदर ये यखनी ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम लोग इसका नमक टेस्ट करेंगे, अगर कम लगा तो अपने हिसाब से आप हसबे जायका नमक डाल सकते हैं। हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे।
ये अपने को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोग आलू बुखारा इमली का पानी ऐड करेंगे और साथ में चावल ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज के ऊपर नमक टेस्ट कर सकते हैं। देखनी आपको काम लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं बीच में, पर मेरे चावलों के हिसाब से ये यकनी ठीक है। अब हम इसको पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं दम लगाते हुए। दोस्तों ये देखिए चावल हमारे पक रहे हैं, आप इसका पानी ट्राई करेंगे और इसको दम पे लगाएंगे, दम पे रहने देंगे फिर आपको दिखाते हैं। पानी ट्राई हो गया हमारा, अब हम इसको दम पे रहने देंगे 5 मिनट के लिए फिर आपको इसकी फाइनल रुक दिखाते हैं। चावल हमारे हो गए हैं, अब इसके ऊपर हम लोग ये डाल रहे हैं पुदीना और इसको दम पे रख देंगे 1 मिनट के लिए बस। दोस्तों ये देखिए पुलाव हमारा तैयार हो गया है, इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।